देखिए मेरी चाट बनके तैयार है, जिमीकंद की गराड़ू चाट बनके तैयार है। बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी। आप भी इस तरह बनाएं और इसका प्रोसेस देखें आगे पीछे। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में। ये मैंने सूरन ले लिया है, उसको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसकी एक चाट बनाएंगे, इसको गराड़ू चाट कहते हैं। इंदौर में बहुत ज़्यादा मिलती है, मैंने वहीं पे खाई थी। बहुत ही टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है और सिंपल है बनाना, तरीका बहुत सिंपल है। तो इसके लिए मैंने इसको हल्का सा 10 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ दिया। अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करके और उस पर नैपकिन पे निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाएगा। और कैसे इसको चाट की तरह सर्व करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। ये जो सूरन था मैंने हल्का सा पानी में डाला था, उसको डीप फ्राई करके ये नैपकिन मैंने प्लेट में रखी है, इसी में निकाल लूँगी। और उसके बाद चाट की तरह कैसे सर्व करना वो मैं आपको दिखा। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं ये सूरन, इसको हम एक थाली में पलट देंगे, एक प्लेट में। अब प्लेट में मैंने पलट दिया है। अब ये जो फ्राई किए हुए टुकड़े हैं, इसको हल्का सा ऐसे ऐसे हाथ से दबा देंगे, ऐसे ज़रा सा चूर कर देंगे सारे को, ऐसे हाथ से क्रश करके और इसी में प्लेट में रखते जाएंगे। और इस तरह से सारे टुकड़े करके और इसमें डालेंगे और इसकी चाट बनाएंगे। ये इंदौर में बहुत फेमस है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। आप भी इस तरह से बना के देखें, बहुत आसान है। देखिए ऐसे फ्राई करके इसको हाथ से दबा दें तो ये थोड़ा सा टुकड़ा हो जाता है और बहुत ही बढ़िया गराड़ू चाट उसको बोलते हैं, जिमीकंद की चाट। इसी तरह से हम करेंगे। ये मैंने सारे टुकड़े क्रश कर लिए हैं, अब इसको अरेंज कर दिया है। अब इसके ऊपर ये आप, इसमें दही नहीं डाली जाती, खट्टी मीठी चटनी और नींबू का रस, ये थोड़ी सी मीठी चटनी मैंने डाला इसके ऊपर और थोड़ी सी खट्टी चटनी, धनिया की, पुदीने की, इसको हल्का सा इसमें डाल देंगे। और आपको अगर पसंद है, ऑप्शनल है, प्याज डाल दीजिए। हमें पसंद है इसलिए मैंने डाला, अगर नहीं पसंद है तो मत डालिए। नींबू का रस ज़रूर डालिए और चाट मसाला और भुना जीरा, काला नमक और लाल चिली फ्लेक्स, ये मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए मसाला मेरा चाट मसाला है, भुना जीरा काला नमक का मिक्सचर है और ये लाल मिर्च है, इसको हल्की सी डाल दीजिए। लाल मिर्च के बिना कोई चाट नहीं बनती है। और ये भुना जीरा ये सब डाल के और इसमें नींबू का रस ज़रूर डालें। एक नींबू ले लीजिए और इसको ऐसे पूरा इसी में निचोड़ लीजिए। बहुत ही बढ़िया चाट, चटपटी सी, खट्टी सी बनती है। आप भी इस तरह बना के देखें और एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। बहुत ही आसान चाट, बस डीप फ्राई करिए टुकड़ों को उसके जिमीकंद के और इस तरह से चाट बना के परोसिए। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। मैंने प्याज डाला है, अगर आपका नहीं मन है तो आप ना डालिए। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये चाट कैसी लगी। मेरी चाट बन के तैयार है, आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और एक बार ट्राई जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं किया है। बहुत ही लाजवाब आपको रेसिपी मिलेंगी हमारे चैनल पे। एक बार ये भी रेसिपी आप तैयार बनाइए, फटाफट बनने वाली 5 मिनट में गराड़ू चाट।